हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो सीएसआईआर के रिगार्डिंग। और खास तौर से अपन आज का टॉपिक अगर अपन देखें कि आपके जो हाल ही के अंदर एग्जाम होने वाला है खास तौर से सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का और दिसंबर 2023 का, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है अप्रोक्स आपका 27 तारीख या 28 तारीख को कंडक्ट होने वाला है, तो उसकी रिगार्डिंग आज आपके जो कितने दिन रिमेनिंग हैं, तो आपके लगभग 10 दिन जो है वो आपके बाकी हैं। और 10 दिन में आप किस प्रकार से आप अपनी जो परफॉर्मेंस कह सकते हैं अपन, किस प्रकार से आप अपनी रणनीति करें और किस प्रकार से लास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिसके कारण से आपकी नेट है या जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सको, उसके लिए कुछ बातें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है या पहले से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट देखो, कुछ पॉइंट्स फिक्स अपन देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं लाइफ साइंस की, ठीक है। लाइफ साइंस और लाइफ साइंस में खास तौर से सभी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, लाइक एज बोटनी और जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी स्टूडेंट्स आते हैं इसमें से। अब अपन देखें कम से कम आपने कितनी यूनिट आपने की होगी, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कम से कम यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितनी हैं, 13 है। 13 में से कम 8 या 9 यूनिट तैयार की होगी। कितने में से? 13 में से 8 से 9 यूनिट्स आपने तैयार की होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन देखें, अब आपको करना क्या है, लास्ट के जो 10 दिन जो बचे हुए हैं, इन 10 दिनों में आपको कौन से प्रोसेस से गुजरना है। तो सबसे पहले तो आपने नई यूनिट नहीं पढ़नी है, ठीक है। पहला पॉइंट, कोई भी नई यूनिट्स नहीं पढ़नी, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जितना हो चुका है उसी को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो पढ़ा है केवल उसी को दोहराना है या रिवाइज करें, ठीक है। आपको जो केवल पढ़ा है उसमें से भले ही आपने 6 यूनिट की है तो भी बहुत है, लेकिन जो आपने किया है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी थ्योरी को बार बार पढ़ना है। दूसरी चीज़ अपन एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो आपने पढ़ा है हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो उन थ्योरी को क्या करना है, रिवाइज करें, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उन पॉइंट्स को अपन ये कह सकते हैं, इन थ्योरी में उन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करें जो आपके माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो रही है, ठीक है। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आपके माइंड में सेव नहीं होते हैं, उन टॉपिक को ज़्यादा देखें, ठीक है। उन टॉपिक को ज़्यादा देखें जो आपके माइंड में ऐसे लगता है, जैसे पढ़ने का नॉर्मल अपन देखें कि आप जब स्टार्ट, अभी लास्ट 10 दिन आपके पास में है और अभी आप क्या कर रहे हो, तो केवल उन टॉपिक पे, ऐसे नहीं है कि सभी यूनिट्स को आप पढ़ना, सभी यूनिट्स को आपने रिवाइज कर लिया है, उन यूनिट्स में से रेंडमली, ठीक है, रेंडमली कोई भी एक टॉपिक ले लो और उस टॉपिक के बारे में अपने माइंड के अंदर विचार करो, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर अपने माइंड में थोड़ा रिवाइज करो कि आपको कितना याद आ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, वो आपका माइंड आपको जवाब दे देगा। सिर्फ एक बार आप इसको रिवाइज करो, ठीक है, तो उसे पता लग जाएगा। अगर आपने रिवाइज किया है, अगर आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है या कुछ भूल रहे हो आप, इसका मतलब सीधी सी बात है, पूरी यूनिट ना पढ़कर सिर्फ आप उसी टॉपिक को वापस जाओ और उसको रिवाइज कर लो।
ये सबसे बेस्ट है, अपनी पूरी यूनिट में से ऐसे रेंडमली कोई टॉपिक लो और उसी के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज करो। दूसरा चीज़, 10 दिन आपके पास बचे हैं, 10 दिन में आपके जो लास्ट ईयर के पेपर है, ठीक है ना, लास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके इस टाइम का रहेगा कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं और पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप उनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें यूनिट वाइज। क्यों, आपने जैसे मान लो 6 यूनिट की है या 8 यूनिट की है, उन यूनिट में से आप क्या करना है, केवल उन्हीं यूनिट में से लास्ट ईयर के जो सोल्व क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको क्या होता है डाउट, ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आपको क्या करना है, उसी टॉपिक को वापस देखो। अगर कोई क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपके नहीं लग रहे हैं, उसी टॉपिक को वापस जाके देखो, पूरी यूनिट की बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जो यूनिट आपने रिवाइज कर चुकी है वो कर लो, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टाइम में सिर्फ आपको ये करना है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस यूनिट को आपने प्रिपेयर किया है उसी में से उसी यूनिट को आपको पढ़ना है, उसी यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ उसी टॉपिक पे जाके फोकस करो, ठीक है ना। और कुछ विशेष टॉपिक, प्रत्येक जो यूनिट्स हैं उनमें से विशेष टॉपिक है वो ज़रूर देख लेना। वो मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था आपको, प्रत्येक यूनिट में से कुछ विशेष टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस। पर फोकस उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। सभी यूनिट में ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर बार जैसे बनते हैं। जैसे अपन सी एलिगेंस की अपन बात करें, सी एलिगेंस की अपन बात करें, हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको पता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वल्वा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार उसी में से बनता है। एक अपन देखें एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल पत्तियों का हमेशा, और प्लांट के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व जीन, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आई डेवलपमेंट का जो मॉडल है रेसिप्रोकल इंडक्शन वाला, वो इसमें मोस्टली हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हार्डी विनबर्ग है, हार्डी विनबर्ग है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसके क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट में सॉल्व करवाए हैं आपको 2-4 वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्पीसीएशन है, इकोलॉजी है, उनके अंदर पूछे जाते हैं हमेशा। स्पीसीज के टाइप्स पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बिहेवियर है, बिहेवियर के टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जनरली आपको जो मोलिकुलर बायोलॉजी में अगर अपन देखें, एंटी बायोटिक्स के जो इफेक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, कौन सा पर्टिकुलर किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, ये छोटी मोटी चीज़ें जो सेल बायोलॉजी है वो तो पूरी करनी है आपको। और इसके साथ साथ में सेल कम्युनिकेशन की बात करें अपन, सेल सिग्नलिंग में सेल सिग्नल्स के जो टाइप्स हैं, सेल रिसेप्टर्स के जो टाइप्स हैं, वो रिसेप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लो, बार बार में क्वेश्चन आते हैं, हर बार उनमें पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी में ड्रोसोफिला हमेशा पूछा जाता है, ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट, ड्रोसोफिला के सेगमेंटेशन, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से केवल उन्हीं टॉपिक्स का इस टाइम पे रिवाइज करना है आपको, और वो भी सिर्फ इसी चीज़ में ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या उन क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को बार बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश है आपको। दूसरी चीज़ है, इस टाइम पर नो स्ट्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो,
और एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी सबसे पहले आप जो पार्ट सॉल्व करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले आप जो माइंड फ्रेश करने के लिए आपको अटेम्पिंग अटेम्प कैसे करने हैं, तो आपको सबसे पहले पार्ट बी को सॉल्व करना है। पार्ट बी को सॉल्व करना है। पार्ट बी में केवल लाइफ साइंस के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कितने करने हैं, ओनली 35 क्वेश्चन अटेम्प करने हैं केवल, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट है। और इसके बाद में आपको क्या सॉल्व करना है, पार्ट सी, ये उसके बाद सॉल्व करना है। पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 अटेम्प कितने करने हैं, केवल आपको 25 क्वेश्चन जो है वो केवल आपको अटेम्पिंग देनी है। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, केवल 1.5 घंटे के अंदर आप इसको कवर कर लेना है, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटे में इसको कवर कर लेना है। और इसके बाद में आपको सी पार्ट लेना है, सी पार्ट को अप्रोक्स आपको 1 घंटा 30 मिनट लेना है, 30 मिनट लास्ट बचे, उन 30 मिनट में पार्ट ए फॉर 30 मिनट कौन सा लेना है आपको, पार्ट ए लेना है। उसमें ज़्यादा किसी कैंडिडेट की रीजनिंग अगर मैथमेटिक्स पोर्शन आपका अच्छा है देन आप अच्छे से कर सकते हो, अगर नहीं है कोई मेरे जैसा है तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो 20 क्वेश्चन है 20 में से आपको केवल कितने करने हैं, 15 करने हैं, क्वेश्चन संख्या 20 है और 20 में से करने कितने हैं, केवल 15 अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो इस प्रकार से लास्ट टाइम में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आपको देखने हैं जो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पूछे गए, उन थ्योरी के ऊपर बार बार रिपीट करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से कीजिए। और अपना सेंटर जो भी आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।